just wanna get to know ya. I wanna go far to the culture. I wanna dive first to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a coaster. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. तो हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट कैप्टन मैकलेन हाजिर हूं आपके साथ बहुत ही शानदार और बेहतरीन गेम लेके जो चल रहा है हमारा समर कप और वो है हमारा बीआर लाइट चिट प्रेजेंट्स और इसका आज है सेमी फाइनल और पहले मैच में सेमीफाइनल्स में हमारे चार मैचेस हमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन मैचेस हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं तो फटाफट से हम लोग ये देखेंगे कि कितना और ज़्यादा बेहतर हो सकता है और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा टीम्स के नाम भी और मेरे पास आ चुका है यहाँ पे आईडी पास तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन और एक्सेलेंट गेम प्ले आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है मेरी कास्टिंग के साथ और पूरी कोशिश करूँगा आपको बेटर से बेटर कास्टिंग देने की तो प्लीज़ चलिए चलते हैं फटाफट से रूम के अंदर और बाकी करेंगे वहाँ पे ढेर सारी बातें तो चलिए आ जाइए मेरे साथ और मैं मिलता हूँ आपसे रूम के अंदर कम ऑन सी यू इन अ रूम तो लीजिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे एरेंगल के रूम के अंदर सॉरी आपको थोड़ा सा लेट हुआ यहाँ पे और थोड़ा सा
माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा तो, लेकिन क्योंकि देखिए साउंड वगैरह का भी थोड़ा सा एडजस्ट करना जरा बनता था, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉपर कॉल्स वगैरह या फिर मेरी कास्टिंग प्रॉपर सुनाई दे। बहुत ज़्यादा रश, आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे बातें कि कौन कौन सी टीमें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। ओके, तो चलिए टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये होता है कि वैसे ही फिफ्थ नंबर स्लॉट से लेकर 24 स्लॉट तक हमें टोटल 19 टीम्स हमारे साथ यहाँ पे खेलने को मिलने वाली है, जिसमें से 7 टीम्स जो है वो क्वालिफाई होंगे। तो फटाफट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे मैथियास 1947, 6 पे है यहाँ पे थंडरबोल्ट, 7 पे है यहाँ पे कॉमेड ऑफिशियल, 8 पे है अभी यूनिटी ई स्पोर्ट्स, 9 पे है यहाँ पे डील, 11 पे है थंडर बीस्ट, 11 पे यहाँ पे देखने में रनिगेट्स, 12 पे मिलेगी गॉट ड्यूकस, और 13 पे है एफ यू ऑर्ग, और 14 पे है बीस, 15 पे है यहाँ पे नॉक बेस, 16 पे है यहाँ पे रिबॉन माफिया, 17 पे है यहाँ पे स्प्रे गॉड्स, 18 पे है यहाँ पे 3C नाइस। ये टीम्स यहाँ पे दो तीन टीमों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे एक्सलेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी हो सकता है ये वाइल्ड कार्ड्स के अंदर जो ये टीम्स का यहाँ पे आया है तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ कंपटीशन होने वाला है। तो 19 पे हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे इंक्रेडिबल्स, और 20 पे हम लोगों को जो देखने को मिलने वाली है टीम वो है टीएम ई स्पोर्ट्स, बहुत अच्छी टीम है ये अभी। 21 पे है यहाँ पे डिवाइन ई स्पोर्ट्स, 22 पे हमें यहाँ पे देखने को जो टीम मिलने वाली है वो है करप्ट सोल ई स्पोर्ट्स, 23 पे है नेवर बैक डाउन, और 24 पे है यहाँ पे कंग्लेशियन ई स्पोर्ट्स। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन टीम्स हमें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि यूनिटी, इस समय यूनिटी की टीम जो है टॉप 3 के अंदर ऊपर की साइड पे चल रही है, बहुत ज़्यादा शानदार है। मर्त्यास 1947 बहुत अच्छी टीम वैसे गिनी जाती है, और काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स हमारे साथ। कॉम्बैट ऑफिशियल्स की टीम का भी मैच हम लोगों ने देखा, तो बहुत ज़्यादा शानदार और अग्रेसिव मैचेस हम लोगों को मतलब देखने मिला। तो मतलब कहने की अगर बात करें तो सेमीफाइनल के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ही धमाका होने वाला है टीम्स के लिए, और बहुत ज़्यादा शानदार और बेहतरीन टीम्स का गेम प्ले हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, तब तक एक छोटा सा, और मैं हूँ यहाँ पे कैप्टन एम्पायर ईस्पोर्ट्स से, जैसे कि आपको ओवरले दिख रहा होगा, और हम मैंने यहाँ पे लिंक जो है ऊपर आई बट्टा यहाँ पे आपका लाइव चैट के अंदर पिन कर दिया है, तो वहाँ से आके आप एम्पायर के साथ साथ जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कास्टिंग वगैरह के लिए भी आपको अगर बात करनी है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको हमारे लिंक पे वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी के लिए हमारा एक छोटा सा टीजर आप लोगों के लिए, प्लीज वॉच इट आउट। वेलकम टू एम्पेजा ईस्पोर्ट्स। एज यू ऑल नो अबाउट एम्पेजा ईस्पोर्ट्स एंड व्हाट वी आर नोन फॉर, एंड इफ नॉट लेट मी शो यू व्हाट डू वी डू and what we are known for and what we have in our arsenal. Looking for an caster or a GFX designer, so you stumbled on the right video. Captain Mecklen, everybody knows him as Captain, a professional versatile esports caster, a game analyzer, a game coach also. यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, तो दिक्कत का माहौल इस टीम के लिए बनता है। शॉट यहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे, शॉट जाते हुए दिखाई देंगे डिवाइन को, वन मोर शॉट एंड द गेम इज ओवर होता हुआ दिखाई दिया नियो के साथ, लेकिन गेम प्ले को यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश। यहाँ पे जॉनी का बहुत ही लेजर स्प्रे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ, इस लेजर स्प्रे को देखने के तो दुनिया तरसती है, बहुत ज्यादा एक्सलेंट वे में पुश लगाकर और अननोन को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में रहे पूरे के पूरे कामयाब। बर्निंग आउट, एवरीबॉडी नोज हिम एज पाजी, फर्स्ट हिमाचली स्ट्रीमर, पंजाबी स्टाइल सुपर कास्टर एंड अ गुड गेमर। इस सिचुएशन यहां पे टीम नंबर 4 भी यहां पे जो थर्ड पोजीशन सिक्योर करने में यहां पे कामयाब हो चुकी है, लेकिन अभी देखते हैं कौन सी टीम यहां पे चिकन डिनर ले पाती है। हार्ड कार्ड एडवांटेज की बात करें तो टीम नंबर 4 के ऊपर यहां पे हार्ड कार्ड एडवांटेज है, लेकिन इनका जोन यहां पे कट चुका है। टाइवोलियो, नोन एज टाइवोलियो जीएफएक्स, एडवांस्ड एनिमेटेड लोगो, थंबनेल, इंट्रो डिजाइनर, वेल ट्रेन्ड, मल्टी टैलेंटेड एडिटर। Wild Raja, known as the backbone of M-Pesa, the manager, a gamer and the fixer, every esports stuff you need for your tournament and scrims,
he can manage our organization. So hurry up, contact us. Number and social media handles on the screen and in our description too. Thank you. Stay tuned for more updates. तो वेलकम बैक, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो आपने हमारे यहाँ पे एम्पायर ईस्पोर्ट्स का छोटा सा पोर्टफोलियो टीजर यहाँ पे देखा। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे लाइव के अंदर जो मैंने लिंक पिन करा हुआ, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, यू डू चेक इट आउट। और बहुत ज़्यादा ही शानदार और बहुत ज़्यादा एक्सलेंट आप लोगों को वहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ के लगेगा। और साथ के साथ हम लोग चाहते हैं कि नए नए लोगों के साथ हमारा गेट टुगेदर हो, मिलना हो, तो और ज़्यादा बेटर यहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा एक ऑनरेबल यहाँ पे मिलता है, साथ का ऑनर मिलता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स या टीम्स हमारे साथ, ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ती हैं और काफ़ी जुड़ भी चुके हैं, जैसा BLHT है, E1 है, OMG है, और काफ़ी और भी ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन टीम्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सारी टीम की कास्टिंग करते हैं, वॉस्टर लाइट कास्टिंग आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखी होगी। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं तो वो जानते ही होंगे कि मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। तो और ये जितना ज़्यादा बेटर हो सके मैं आप लोगों को देना पसंद करूंगा। तो प्लीज़ 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 हमारे साथ जुड़िए और हमें एक मौका दीजिए अपने साथ और भी ज़्यादा बेटर हमें परफॉर्म करने का, ताकि आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़ के अच्छा लगे। तो ठीक है, जब तक हमारे साथ टीम यहाँ पे जुड़ी हैं, और आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी देख सकते हैं एम्पायर ईस्पोर्ट्स का। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तो आप जानते ही है, कैप्टन मैकलेन वाडी, और बाकी का जो जितना भी लिंक वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ के साथ कोई भी नए टूर्नामेंट्स हैं या स्क्रीम्स हैं या किसी भी चीज़ तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे। कोई टेंशन वाली जो जो हमारे साथ इस समय अवेलेबल है हम आपको सब चीज़ देंगे। साथ के साथ हम लोग स्पॉन्सरिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग की कोई भी बेटर लाइनअप है हम लोग उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो चलिए मेन बात, हम लोग आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पे BLHT प्रेजेंट समर कप सीजन 1 पे, और सेमीफाइनल यहाँ पे होने वाला है। सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे रह गए मैच शुरू होने में। ऑलमोस्ट 58 प्लेयर्स हमारे साथ ऑलरेडी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और शानदार टीम्स हम लोगों के साथ यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और देखेंगे कि जो बाकी की टीमें हैं, जैसे मल्टियाज है, साथ क्या कॉम्बैट ऑफिशियल्स है, थंडरवुड जो नई नई टीम आई है, रनिंग गेट्स की टीम बहुत अच्छी, और यहाँ पे गॉड ज्यूकस ये टीम बहुत अच्छी लग रही है मुझे सुनने में, बीस्ट है, रिबॉन माफिया, इनक्रेडिबल की टीम तो एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल है, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने हमें दी है। TME स्पोर्ट्स के साथ साथ स्प्रे गॉड और 3C की टीम भी बहुत ज़्यादा शानदार टीम्स हम लोग देखने मिलती है। बाकी की जो काफ़ी और भी टीमें हैं, जैसे करप्ट सोल है और नेवर बैक डाउन, यहाँ पे जिसे कंग्लेशियन है, साथ के साथ डील है, और काफ़ी बहुत ही अच्छी बीस्ट और ये नौकाबेज, बहुत काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स जो हमें अभी भी इनके साथ जुड़ी है, कुछ आई है, मैं क्या कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के अंदर, तो उनका भी गेम प्लेज हम लोग ज़रूर से ज़रूर देखना पसंद करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मज़ा आए टीम्स को देखने में, मतलब शानदार एक ज़बरदस्त एक्शन पैक गेम प्ले हम लोगों को देखने में, जिसकी वजह से मुझे कास्टिंग करने में भी मज़ा आए, आप लोगों को देखने में मज़ा आए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम कैप्टन मैकलेन फ्रॉम एम्पायर ईस्पोर्ट्स, वेलकम सी यू। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, टोटल 4 मैचेस हमारे यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे, 7, 8 प्लस 7 के साथ 9 और 10, ये 3-4 मैचेस होंगे, जिसमें 2 मैचेस तो मैं करूंगा, बाकी मेरे जो डुओ कास्टर, मेरे जो पार्टनर है बर्निंग और पाजी, उनको भी सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत कास्टिंग लेवल, बहुत ही हाई स्पीडिंग कास्टर हैं, बहुत बढ़िया उनके अंदर पार्ट। और हियर वी गो द मोस्ट फेनोमिनल, और साथ के साथ माइंड ब्लोइंग रशिंग गेम प्ले हैज बीन बिगन, और एरेंगल के अंदर तो मतलब धुआंधार एक्शन यहाँ पे देखने को मिलने ही वाला है सारी टीम्स के द्वारा। और अब फटाफट से ये देखेंगे कि टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी कहाँ पे जुड़ती हैं, कौन कौन सा गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलता है, काफ़ी टीमें हमारे साथ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो एग्जैक्टली दोस्त ग्लिच का मोमेंट ना होता वो दिखाई दे, और यहाँ पे हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं हेल बॉय, तो हेल बॉय यहाँ पे मर्त्याज 1947 के प्लेयर हमें देखते हुए मिलते हुए, और काउंटडाउन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चलता हुआ पूरा दिखाई दे चुका है। और देखेंगे फ्लाइट पाथ कहाँ पे बनता है यहाँ पे इनके जो ये रेंगल के मैच का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और टीम्स को भी प्रॉपरली यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए गेम प्ले को यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे वॉच आउट करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शानदार व्यू यहाँ पे हमें मिलता हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे हो चुका है काउंटडाउन शुरू, फाइव पे शुरू करेंगे, फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स गो। और एग्जैक्टली देख सकते हैं फ्लाइट पाथ अभी तक हमारे सामने रिवील होता हुआ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ईस्टर्न सदन की तरफ से होता हुआ ईस्टर्न नदन की तरफ जाता हुआ, या फ्लाइट पाथ बहुत ज्यादा शिफ्टेड होता हुआ पूरा ईस्टर्न साइड की तरफ, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और जिसे हम कह सकते हैं कि फुल ऑफ लूट ये फ्लाइट पाथ बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और मील वाइल अगर मैं इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन को लेट मी एलैबोरेट, क्योंकि इसके अंदर ये चीज ये है कि एग्जैक्टली अगर आप जाना चाहते हैं मिलिट्री बेस जहाँ पे बहुत ही वहाँ पे भी लूट का यहाँ पे बहुत अच्छा कब्जा मिलता है, साथ के साथ आप जा सकते हैं मिल्टा पावर नसनाया पोलियाना इज रियली 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 फैंटास्टिक एरिया, और आपकी रीच आउट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। साथ के साथ कैमेश की के अंदर मिड ऑफ द जोन के अंदर हमारी है पोचंगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले मिलने वाला है। रिजॉर्ट जा सकते हैं, साथ क्या स्कूल जा सकते हैं, और वहां से रोटेशन करते हुए आप थोड़ा सा ग्लाइड करके जॉर्जो पूल के पास भी पहुंच सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो कोई भी लूट की कमी नहीं होने वाली है, टीम्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इजिली यहाँ पे बहुत ही रोटेशन करते हुए आगे की साइड पे जा सकते हैं। अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है टीम्स को जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे और देखने की कोशिश करूंगा क्योंकि देखिए टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी उतरनी शुरू हो चुकी हैं, तो मतियास की टीम इस समय मुझे देखने को यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है और बहुत ही अच्छे एरिया को ये जाते हुए दिखाई देगी। और ये मुझे लग रहा है इस समय जाते हुआ हमें जो दिखाई देने वाला है वो जाता हुआ दिखाई देगा वाटर सिटी की तरफ, और वाटर सिटी के अंदर आप लोग देख सकते हैं तीन समय देखने को यहाँ पे मिल रही हैं और ऑलरेडी यहाँ पे आती भी दिखाई देने वाली हैं। और देख सकते हैं वाटर सिटी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी एंगल यहाँ पे ऑन द मिरेकल हैज बीन टर्नड ऑन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो पूरा का पूरा जो एक ग्लोब था जिसे कह सकते हैं कि हमारा जोन इज टोटली शिफ्टेड टू द वेस्टर्न साइड एंड दिस इज द माइंड ब्लोइंग हार्डशिप, मतलब इससे ज्यादा बेहतरीन हार्डशिप आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। तो गाइस दिस इज द एंड पूरा का पूरा शिफ्टेड हो चुका है जिसमें जॉर्जो पुल आ रहा है, गटका आ रहा है, क्वेरी प्रिमोस पूरा एरिया एग्जैक्ट हो चुका है। जिस जो अभी तक जो बिसोल देते मिड ऑफ द सेंट्राइज अगर जाने की टीम्स हमें दिखाई दे रही थी तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिखाई देती हुई टीम्स हमें दिखाई दे रही है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं डील की टीम ऑलरेडी आती हुई दिखाई दे चुकी है, उन्हीं के साथ यहाँ से रोटेशन करते हुए हमें बाकी की टीम भी दिखाई दे रही है, और साथ के साथ हमें दिखाई देंगे स्प्रे गॉड्स की टीम के प्लेयर भी हमें देखते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे शेडो उनके साथ रियान भी हमें दिखाई देने वाले हैं। तो देखिए शॉट्स यहाँ पे ऑलरेडी कवर अप लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए स्कूल के पास आओ बहुत ज्यादा शानदार तरीका होता हुआ लेडी शॉट ने यहाँ पे होता है। कॉम्बैट डीबी को यहाँ पे ऑलरेडी दिक्कत का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दिया, बहुत ज्यादा बैटिंग गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दे चुका है। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं सामने वाली टीम जो हमें दिखाई देने वाली थी डिवाइन ई स्पोर्ट्स की टीम, डिवाइन ई स्पोर्ट्स की टीम का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक असैसिनेशन होता हुआ दिखाई दे चुका है क्योंकि एक प्लेयर को देख सकते हैं डिवाइन के वीर को यहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट करने में पूरा का पूरा कामयाब रहती हुई टीम्स हमें दिखाई देने वाली हैं जो है हमारी इंक्रेडिबल। और जैसे मैंने बताया था गेम प्ले जो है इंक्रेडिबल का बहुत ज़्यादा शानदार होता हुआ दिखाई दे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधेरा का होता हुआ दिखाई दिया और बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया था। ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी बाहर की साइड पर आते हुए दिखाई दिए जरूर थे, ऑलरेडी रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जा रही थी। अब देख सकते हैं पूरी की पूरी टीम यहाँ पे इंक्रेडिबल की राइट साइड से रोटेशन करती हुई दिखाई दे रही है, और ये टीम सामने वाली टीम के साथ साथ बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है क्योंकि सामने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रे गॉड की टीम है। ऑलरेडी यहाँ पे नेट आता हुआ दिखाई दिया, रियान को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, अतीब यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी आता हुआ दिखाई दिया, पूरी की पूरी टीम हैज बीन टेकन डाउन, रियान यहाँ पे बचे हुए दिखाई दे रहे थे लेकिन बैक से आते हुए डिवाइन ने यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले दिखाया। यहाँ पे डिवाइन के अधिकार अधेरा आते हुए दिखाई दिए और पूरा गेम यहाँ प्ले हो चुका है। तो फर्स्ट एलिमिनेशन गाइस हमें आता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे स्प्रे गॉड्स की टीम के द्वारा, और देखेंगे डिवाइन के अधेरा हमें यहाँ पे दिखाई दिए और बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। लेकिन राइट हैंड साइड से हो सकता है डील की टीम ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिखाई देने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रिजॉर्क का एरिया, रिजॉर्क के एरिया के पहाड़ के तरफ से पूरा गेम प्ले हमें बनता हुआ दिखाई देने वाला है, और ऑलरेडी यहाँ पे रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करती हुई बाकी टीम दिखाई दे रही हैं। तो रूइंस की तरफ चलते हैं, रूइंस की तरफ मर्त्यास 1947 की टीम ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे शैनो जी हमें देखते हुए सारी की सारी टीम यहाँ पे बन रही है बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक लेवल के अंदर। और देख सकते हैं आइसमैन के साथ साथ ऑलरेडी यहाँ पे टीम्स जो दूसरी आती हुई दिखाई दे इनक्रेडिबल्स की, उनका जो है डिवाइन की टीम के साथ होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट वर्क। और देखेंगे अधीरा हमें दिखाई देते हुए दिखाई देंगे और ऑलमोस्ट शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते
लोग देखेंगे पूरी पूरी लूट यहाँ पे अभी नहीं हुई है, तो लूट के साथ साथ धीरे धीरे रोटेशन लेना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ इस टीम के द्वारा दिखाई दे रहा है। चलते हैं लिपोपा के आगे पास, तो लिपोपा में ऑलरेडी हमें देख सकते हैं गॉड ज्यूकोस की टीम हमें दिखाई देती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ से रोटेशन पूरा का पूरा एक लिपोपा का एरिया भी पूरा का पूरा ओपन है, तो ऑलरेडी लूट यहाँ पे करती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा नीचे की साइड पे आने की कोशिश करेंगे तो मिल्टा पावर की साइड पे जो फैक्ट्री आती हुई दिखाई देती है, तो फैक्ट्री के पास हमें दिखाई देगी रेनेगेड्स, रेनेगेड्स के यहाँ पे इलेक्ट्रो दिखाई देते हुए और साथ के चिकोर, और हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक्सपर्टीज, और उन्हीं के साथ ही के बैक टू बैक खेलते हुए यहाँ पे पावर FOUG और हमें दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी यहाँ पे नौका बॉयज के द्वारा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैमिस के भी हमें दिखाई देने वाले हैं, और ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन देने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, फाउस के एक प्लेयर को यहाँ पे ऑलरेडी रोटेट करते हुए थोड़ा सा नॉकआउट करने में पूरा कामयाब रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं सनमार हमें ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ भी एक बहुत ही अच्छा एक जोन है यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया, और बैक टू बैक यहाँ पे एक प्लेयर को ऑलरेडी नॉकआउट करते हुए सामने वाली टीम हमें दिखाई दे रही है। नौका बॉयज ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना एक कब्जा बनाना शुरू कर दिया है मिल्टा के एरिया को, और बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा ये माहौल होता हुआ दिखाई दे सकता है। पूरी रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे हिकाई हमें देते हुए, लेकिन हिकाई को ऑलरेडी यहाँ पे वॉच आउट किया जा चुका है, शॉट पड़ते हुए दिखाई दिए। ओ माई गॉड, दिस इज सो क्लोज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एग्जैक्टली वन मोर शॉट अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता तो इकाई भी यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट करने में पूरा कामयाब हो चुके होते, और इसी के साथ यहाँ पे टीम्स का जो है परफेक्ट एलिमिनेशन कामयाब हो चुका था। एक टीम यहाँ पे ऑलरेडी रोटेट करती हुई दिखाई दे, रेनेगेड्स के साथ साथ यहाँ पे फाइनल रिएक्शन बनता हुआ दिखाई दे चुका है। रेनेगेड्स यहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट करते हुए कामयाब रहते हुए, एक प्लेयर को नॉकआउट करो, बहुत ज्यादा शानदार गेम रहा है, दो नॉक कर दिया, दैट इज इनक्रेडिबल, और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दे। हिकाई का दो फिनिशेस अपने काले में लेने के लिए, फोर फिनिशेस के साथ गेम प्ले को किया, और बहुत ज्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक्स बचे हुए हैं अकेले, और हैमैन अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे, तो यह 1v1 की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे चुकी है FOU और साथ के साथ खेल रेनेगेड्स की टीम के बीच में। अब यहाँ पे ऑलरेडी दो टीम के प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, नौकाबेज हमें दिखाई देने वाले, इनके दो टीम के प्लेयर हमें दिखाई देने वाले, तो ऑलरेडी यहाँ पे रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए डिवाइन के अधीरा को ऑलरेडी नॉकआउट कर चुका है। बैक से आते हैं, एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, और बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया इलेक्ट्रिक्स के द्वारा, राइट साइड से रोटेशन करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, और एक फिनिश और निकालने की कोशिश करेंगे बाइक ब्लोइंग स्प्रे, दैट्स कॉल्ड द रियल फैंटास्टिक मैग्नेट स्प्रे बाय दिस प्लेयर। और यहाँ पे देखा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले में परफॉर्म करके निकाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स ने अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे थे रेनेगेड्स की टीम के द्वारा, और इनका यहाँ पे अब ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पे होती हुई दिखाई दी, तो सेकंड एलिमिनेशन जो इस टीम का होता हुआ दिखाई दिया, तो FOUG की टीम हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई दी थी, सॉरी नौकाबेस की टीम हमें दिखाई दी थी। अब जो है सिर्फ बचा हुआ दिखाई दे, हैमन सामने दिखाई दे रहे हैं, और इधर बैठे हुए हैं हमारे रेनेगेड्स के इलेक्ट्रिक्स, और तब देखना बस बाकी रह गया कि कौन सी टीम के प्लेयर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमें दिखाने में पूरा का पूरा परफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जोन एग्जैक्टली यहाँ से आता हुआ हमें दिखाई देगा, तो पूरा जोन के अंदर जाना ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे टीम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनती हुई दिखाई देगी। एक मिनट गाइस, मैं एक मिनट अभी बैक आता हूँ, एक मिनट का टाइम दिए, एक कॉल आ रही है।
आई बी बैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्ले बनता हुआ, पूरा का पूरा गेम प्ले बहुत ज़्यादा शानदार वे में होता हुआ पोचंकी के अंदर हमें दिखाई देने वाला है, और इसमें 20 की टीम हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है, जो खेल रही है हमारी दूसरी टीम मर्त्याज 1947 के अगेंस्ट। और ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे एक प्लेयर के साथ तीन प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैनम को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, 3C की टीम भी ऑलरेडी यहाँ पे गॉड की टीम के द्वारा यहाँ पे फिनिश ऑफ की जा चुकी है। तो जो गॉड जूस की टीम हमें खेलती हुई दिखाई दे रही थी उसी के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सेलेंट गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब देख सकते हैं मर्त्याज 1947 के जो प्लेयर्स हैं वो कितना अच्छा बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं। और ऑलमोस्ट देख सकते हैं ऊपर की साइड पे बैठे हुए जो हमारे दूसरे प्लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई एम सॉरी, एक मिनट, सर्वर टाइम आउट हुआ है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। एंड हियर वी बैक। और यहाँ पे थोड़ा गेम के ग्लिचेज हैं, तो गाइस थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डिफरेंट वे में यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट चलते हैं यहाँ पे 19 नंबर की टीम के पास, जो इंक्रेडिबल्स की टीम हमें खेलती हुई नजर आ रही है। तो इंक्रेडिबल्स की टीम के अंदर देख सकते हैं आइस मैन देखने को मिल रहा है, रेवन मिल रही है, साथ ही तो पूरी पूरी टीम जो है रोटेट करते हुए जोन के अंदर जाना मेन प्रेफरेंस यहाँ पे होती हुई दिखाई देने वाली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे गेम प्ले 20 की टीम हमें दिखाई देती हुई और पूरा पूरा रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जस्ट लाइक दैट आप देखना यहाँ पे पड़ेगा कि बाकी ये टीम जो हमें खेलती हुई जाती है मर्त्याज 1947 और साथ के साथ खेलती हुई 20 की टीम, इनके बीच में कितना अच्छा बेहतरीन एक अग्रेशन हो सकता है, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे दूसरी टीम भी आती हुई हमें दिखाई दे रही जो है इंक्रेडिबल्स। तो इंक्रेडिबल्स की टीम भी ऑलरेडी यहाँ पे जोन के अंदर बढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत ज्यादा शानदार हो रहा है गेम का यहाँ पे परफॉर्मेंस। और देखने वाली बात है ऑलरेडी यहाँ पे रोटेशन, तो एक टीम ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी जिसे कहते हैं जोन से फिनिश ऑफ होती भी हमें दिखाई दे चुकी है। तो ऑन द मिड ऑफ द जोन के अंदर धीरे धीरे टीम्स यहाँ पे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करते हैं, मैचों को यहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट किया जा चुका है। तो देख सकते हैं बीएल की टीम भी ऑलरेडी यहाँ पे नॉक देने की कोशिश यहाँ पे करेगी, शेन को यहाँ पे रिवाइव करते हुए हमें दिखाई देने वाले यहाँ पे पुमा, और यहाँ पे जो मैचों अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे थे, और बाकी के एक प्लेयर विशाल यहाँ से निकलने में पूरा पूरा कामयाब हो चुके हैं, साथ के रीपर भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये तो खेल पूरा का पूरा ऑलरेडी यहाँ पे मुझे कंफर्म होता हुआ दिखाई दे चुका है, और यहाँ पे पूरा गेम प्ले यहाँ पे पलट के रख दिया मर्त्याज 1947 की टीम, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जोन के अंदर बढ़ना जो है वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि जोन के अंदर ऑलरेडी सारी टीमें बढ़ती हुई दिखाई दे चुकी हैं, क्योंकि जोन टू जोन यहाँ पे नेवर बैक डाउन की टीम हमें देखने को मिलने वाली है। वेट गाइस, एक मिनट में अभी आता हूँ, एक कॉल आ रही है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
गाइस आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, देयर इज अ बैड न्यूज कि एग्जैक्टली ये जो मैच है सेमीफाइनल का, फिर ड्यू टू सम द इनकन्वीनियंस वी हैव टू कैंसिल दिस मैच एंड द नेक्स्ट मैच विल बी एट ऑन 8 PM. सो ये मैच कैंसिल हो चुका है, कुछ अनसर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए सिचुएशंस के जिसकी वजह से कुछ दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से ये मैच जो है कैंसिल करना पड़ रहा है. तो ऑर्गेनाइजर्स के बाकी जो टीम्स हैं उनका कुछ अगर क्वेरी है तो वो ऑर्गेनाइजर्स से जाके BLHT के ऑर्गेनाइजर्स के पास जाके उनसे बात कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं. तो जो भी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो इट विल बी कैलकुलेटेड बाय योर साइड और जो भी मैचेस के साथ होगा. तो इसलिए आई एम कैप्टन निकलेन फ्रॉम साइनिंग आउट. तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी क्योंकि इनकन्वीनियंस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ा, तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से. तो ओके राइट नाउ बाय बाय टेक केयर, मिलता हूं आपसे अभी ये लॉबी में मिलता हूं, फिर बात करता हूं आपसे. तो गाइस यहां पे छोटी सी एक दिक्कत हो गई, तो इसकी वजह से जो है वो एक थोड़ा सा एक मेमोरेबल मूवमेंट हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ अनकन्वीनियंस हो जाएगा. और दूसरा ये है कि कुछ भी दिक्कत अगर होती है तो सेमीफाइनल इट्स अ बिग लार्ज जिसे कहते हैं, इट्स अ लार्ज मैच, इट्स अ इमोशन, तो दैट्स वाई वी कैन हैव टू कैंसिल दिस मैच एंड